नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 17वें संस्करण का शुभारंभ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। गुलजार जेएलएफ में बोले, एक परफ्यूम को दूसरे में डालने से लिक्विड कम हो सकता है, खुशबू नहीं। जेईसीसी में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का शुभारंभ। सीएम भजनलाल बोले, राम मंदिर में देखने को मिली राजस्थान की विरासत। कहा, सिंगल विंडो सिस्टम को आसान बनाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। कहा, ज्ञान वापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, अकबर महान नहीं बलात्कारी था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट को शानदार और दमदार बताते हुए महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण के साथ किसान युवा सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान का सर्व सपर्शी बजट बताया। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सभी थानों में प्रतिदिन जन सुनवाई करने के दिए निर्देश। जन सुनवाई से जुड़ी कार्रवाई को जांचने के लिए आयुक्त करेंगे औचक निरीक्षण। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने 14 पाक विस्थापितों को प्रदान की नागरिकता। अंतरिम बजट पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, राजस्थान के नागरिकों को मिलेगा विशेष फायदा। सचिन पायलट ने ईआरसीपी पर राजस्थान सरकार से उठाए सवाल। कहा, विधानसभा में रखे जाएं दस्तावेज। अलवर में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा। चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल सहित 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। राजेंद्र राठौड़ ने की केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ। कहा, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है शानदार। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने कहा, मोदी सरकार के अंतरिम बजट में संकल्पित, समर्पित और प्रतिबद्ध भारत की दृष्टि दिखती है। 15 जिलों में बारिश, ओले गिरने का अलर्ट। गंगानगर में बरसात, अलवर दूसा में बादल छाए, 4 जिलों में कोहरा छाया। जयपुर में निम्न तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गुरुकुल। 200 बच्चे ले रहे निशुल्क शिक्षा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस ने की सहायता। वर्ल्ड वेटलैंड डे। राज्य में कुल 12,625 से अधिक अर्धभूमि, वहीं कुल 75 अर्धभूमि अधिसूचित। उदयपुर होगा पहला रामसर वेटलैंड सिटी। दौसा में भारतीय मजदूर संघ के 25वें प्रदेश अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया। दौसा में श्री श्याम मंदिर चरण धाम का 23वां पाठ महोत्सव 11 फरवरी को प्रारंभ होगा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।